ये स्टार्ट करते हैं, ये हम टेरेस पे आ गए हैं। लेट्स ओपन द गेट। ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। इट्स तो अभी हमने अपने हथियार इकट्ठे कर लिए हैं, एक है प्लेट और एक है कटर। अब हम अपनी मॉर्निंग में जो प्रोड्यूस होगा, जो हमारी घर की खेती होगी, वो कलेक्ट करेंगे अपने टेरेस गार्डन से। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने ज्यादा से ज्यादा अपने घर की खेती दिखा सकूं। ये एक ओवरव्यू है, पिक्चर है, ग्लांस है हमारे टेरेस गार्डन का, छोटा सा और सुंदर से टेरेस गार्डन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहां से, पहले मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ। और अभी स्टार्ट करते हैं ये हमारे बड़े से पेड़ से, जो कि है अमरूद का पेड़। और मैं अभी आपको कमाल की बात बताऊं तो इसमें आफ्टर अराउंड 4-5 साल के बाद अब फ्रूटिंग होनी स्टार्ट हुई है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी फ्रूटिंग कहाँ पे है, कहाँ पे है। ये रही, ये रही, ये रही, ये रही, ये रही। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर है यार, काफी फ्रूटिंग हो रही है। अब देखते हैं कितना फल लगेगा इस पे। और ये कि ये अगर आपको मैं बताऊं तो ये कोई गमला जो है, एक्चुअली प्लास्टिक ड्रम है जिसमें हमने इसको लगाया है, प्लास्टिक का ड्रम है। इसके लिए कितने लीटर का होता है ये तो मेरे को एक्चुअली पता नहीं है। और हमारे छोटे छोटे गेस्ट जो कि यहीं पे रहते हैं, इसी जो ग्रेप वाइन है यहाँ पे इनके घर हैं छोटे छोटे, तो ये भी हमको इस वीडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तकरीबन 7 7:30 का टाइम है। तो ये पहला जो प्लांट है ये हमारा है अमरूद का पेड़, घर पे लगा हुआ, और वो भी एक प्लास्टिक के ड्रम में। और एक दूसरा ये है, ये भी अमरूद का पेड़ ही है पर ये हाइब्रिड है, इस पर भी फ्रूटिंग हुई है और इस पर भी काफी फल लगता है। ये हाइब्रिड प्लांट है। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये बड़ा खास प्लांट है, ये प्लांट है चेरी का। तो इसको काफी टाइम, 1.5 साल हो गया था लगाए, अब इस पर फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है। देखते हैं जब चेरी लगेंगी तब भी मैं आपको अपडेट दूंगा। और इसमें ये ऐसे ही छोटी छोटी बेल जो है, ये जो सैपलिंग्स हैं या छोटे प्लांट्स हैं वो हैं। और ये मिर्ची का है प्लांट, मिर्ची, तीखी तीखी मिर्ची होती है ना। और ये जो बेल आप देख रहे हैं ये है करेले की बेल। और ये हो गया हमारा रोज, ये थोड़े फ्लावरी प्लांट्स, तीनों रोज के हैं प्लांट्स। और बीच में ये एक सजावटी बूटा है, और ये है, इसको पंजाबी में कहते हैं गुलदोदी। ये देख रहे हैं आप, इस पे जब सीजन चेंज होता है तो बड़े कलरफुल और बड़े सुंदर सुंदर से फ्लावर्स लगते हैं। और आगे ये भी हमारा जो रोजेस का प्लांट है, ये भी दूसरा भी है, एक वाइट है, पिंक है, रेड है, वेलवेट रोजेस, काफी तरह के 4-5 वैरायटी के जो रोजेस है ना, 4-5 वैरायटी के लगा रखे हैं। और ये भी एक सजावटी जो बूटा है, फूल लगते हैं बड़े सुंदर, पूरा भर जाता है एक टाइम पे। और दैट द ब्यूटीफुल सन। और अब बारी आती है हमारे टोमेटो प्लांट्स की। यस, टोमेटो की आज हार्वेस्ट करेंगे। और जो भी लगा होगा, जो भी घर की सब्जियां फ्रूटिंग होगी, वो सारा मैं दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में, जो भी हमारे टेरेस गार्डन पे होता है। तो आप ये देख रहे हैं ना, ये रेड रेड से, ये काइंड ऑफ चेरी टोमेटोस, कितने सुंदर लग रहे हैं यार। इसको तो वैसे ही कच्चा ही खाने में इतना टेस्टी होता है ना, ये सी द ब्यूटी। जो भी प्रोड्यूस होगा ना उसको मैं उतार के अभी उसी प्लांट में रख दूंगा, और बाद में हम कलेक्ट करेंगे अपनी जो हमारी आज की खेती होगी उसको इकट्ठा करेंगे। ये एक्चुअली बस अपने फ्रूटिंग के बाद ये प्लांट्स को डेड कर देंगे। इनमें थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, इनकी रूट्स में शायद प्रॉब्लम है थोड़ी सी। रूटिंग तो अच्छी हुई है बट थोड़े से प्लांट्स इसके बाद डेड होने शुरू हो गए। तो मे बी सिंगल हार्वेस्ट ही होगा इनसे। वैसे तो जो टोमेटो का प्लांट होता है कई बार
कई बार फल दे जाता है, पर अभी फिर इसके बाद ये फ्रूटिंग के बाद हम उतार देंगे इनको। और ये है हमारा ब्रिंजल, ब्रिंजल का प्लांट। इस पे भी फ्लावरिंग होगी है, फ्रूटिंग देखो कब स्टार्ट होती है। और ये आप जो देख रहे हैं ना, ये वाइन्स हैं, बेल हैं, जिसको तोरी कहते हैं ना, तोरी उसका, उसकी वाइन्स है। इसको भी हम ऊपर तक बढ़ा के पूरा फैला देंगे, फिर बस तोरियां ही तोरियां हो जाएंगी। और इससे आगे आते हैं, ये हमारी है स्पिनच, पालक। पालक का प्लांट देखिए कितना अच्छा हुआ यार, टेक्सचर देखिए, द ग्रीननेस पूरा ब्यूटीफुल है। और ये हमारी छोटी सी लेडी फिंगर, लेडी फिंगर भी वैसे ये अभी तैयार नहीं हुई, आगे देखते हैं। तो वैसे हमने गमले बनाए हुए हैं बड़े बड़े, कुछ सीमेंटेड हैं, कुछ मेटल के हैं। हमारा खुद का भी जो काम है वो वेल्डिंग वर्कशॉप है, फैक्ट्री है हमारी, तो उसमें अपने घर की खेती जैसा ही काम हो जाता है। और अब इसमें ये जो लगा है, ये साथ में लगे हैं बॉटल गार्ड की बेलें, जिसको हम कद्दू कहते हैं ना, घिया कहते हैं, घिया गोल वाला जो होता है ना। ये देख रहे हैं आप कितने सुंदर लग रहे हैं यार, छोटे छोटे से, द टच ऑफ इट इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है ना कि क्या ही बताऊं। और ये है हमारी ब्रिंजल की खेती, ब्रिंजल देख रहे हैं आप, छोटा सा फ्लावरिंग कितनी अच्छी हुई है। ये एक छोटा सा लगा भी है, वाइट कलर का है ये ब्रिंजल, ये वैरायटी जो है वाइट वाली है। और इसमें हमने एक और लगाया हुआ है, जो देसी प्लांट होता है ना हमारा, पंजाब में जो होता है ज़्यादा रीजनल प्लांट है, इसको शतूत कहते हैं, शतूत इंग्लिश में मेरे को पता नहीं क्या कहते हैं। तो इसमें भी पहले फ्रूटिंग हुई हुई थी, शायद कोई लगा हो तो मैं आपको बताऊँ, अभी है नहीं कोई, ये शायद इससे पता लग जाए आपको थोड़ा सा, ये थोड़ा फ्रूट कोई इसमें दब गया है। और ये भी हमारी लेडी फिंगर्स के प्लांट्स, एक दो, और ये देख रहे हैं आप छोटी सी, ये है करेले की बेल। और इसमें ये देखिए छोटे छोटे करेले लगे हुए हैं, इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है और शूटिंग जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और ये है हमारा अनार का पेड़, नहीं कह सकते इसको, छोटा सा ही है अभी, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, बट बड़ा हो जाएगा। इसको भी हमने प्लास्टिक के ड्रम में लगाया हुआ है, जो ऑयल ड्रम होते हैं ना, वो खाली होने के बाद जो कबाड़ की दुकान में से भी आपको मिल जाएंगे, उनमें हमने ज़्यादातर अपने बड़े जो प्लांट हम करना चाहते हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये पपाया का प्लांट लगाया हुआ है, इसको भी पेड़ बनाएंगे और इस पर भी सुंदर सुंदर पपाया लगेंगे, जिसको हम खाया करेंगे। और ये लेडी फिंगर तैयार हो गई है, ये मैंने तोड़ ली इसको, इसको भी मैं यहीं पे रख देता हूँ अभी फ़िलहाल, बाद में सारी कलेक्ट करके जो जो फ्रूटिंग हुई होगी वो हम कलेक्ट करेंगे। और ये जैसे हमारा है अनार का प्लांट, तो इसके साथ में ही लगे हुए हैं ब्रिंजल, ब्रिंजल का भी एक प्लांट लगा हुआ है, उस पर ब्रिंजल भी लगे हुए हैं, देखिए कितना सुंदर है, वाइट वाले ब्रिंजल है। ये बड़ा जिद्दी है, चल नहीं रहा, चल छोटू आजा छोटू आजा, ओए ये नीचे गिर गया, कोई ना फिर कलेक्ट कर लेते हैं। ये छोटे वाले को छोड़ देते हैं हम, अभी इसको बड़ा होने देते हैं थोड़ा सा, और जब बड़ा हो जाएगा ना फिर उतारेंगे। और ये हमारा रहा लेडी फिंगर का गार्डन, इसमें थोड़ी सी पालक भी लगाई है और लेडी फिंगर के हैं प्लांट्स ज़्यादातर, और देखते हैं अभी लेडी फिंगर्स हुई हैं तैयार के नहीं। लेट्स सी, ये रही एक, इसको तोड़ते हैं, यस द ब्यूटीफुल लेडी फिंगर्स। और देखें आप, अगर आप फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो आप भी बता सकते हैं मेरे को, ये भी तैयार है, और देखें और कोई तैयार है, लस्सी कहीं छुपी होंगी, ये रही, ये भी तैयार है लेडी फिंगर, ये भी तैयार है। आए
कितनी सुंदर है यार। तो ये साथ में थोड़े से स्पिनच के भी है प्लांट, पालक के, और कोई लेडी फिंगर है, और कोई है, ये भी वैसे तैयार है। ये अभी छोटी है, ये अभी छोटी है, इसको छोड़ देते हैं, थोड़ी बड़ी होने देते हैं और आगे चलते हैं हम अपने टेरेस गार्डन की जर्नी में। ये है हमारा जो मिर्ची का भुट्टा, जो मिर्ची का प्लांट होता है ना, वो लगा हुआ है, मिर्ची भी लगी हुई है इनमें। इसमें फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी हो रही है। तो ये हमने उतारी नहीं मिर्ची, ये देख रहे हैं ना आप कितनी बढ़िया और कितना हेल्थी ये प्लांट। और रहे हमारे, ये रहा ये बिटर गार्ड ही है, जिसको हम घिया बोलते हैं ना, वही है। उसमें भी फ्लावरिंग हो रही है और ये बेल भी ऐसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये एक और बेल रही, ये है, इसमें साथ में तोरी की भी है बेल, और ये देख रहे हैं आप करेले की भी बेल है। तो अभी इसके पीछे कुछ लगा है लाल लाल सा, ये क्या है? ये है हमारे टोमेटो, चेरी टोमेटोज, इसको हम तोड़ लेते हैं। टोमेटो की खेती अच्छी हो रही है। ओह माय गॉडनेस, रेड 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 रेड, कितने टोमेटोज, सारे तोड़ लेंगे, सारे तोड़ लेंगे। इसको हम यहीं पे रख देते हैं और एक एक करके तोड़ते हैं। हमारे टोमेटोस, और आगे ये भी है लेडी फिंगर्स के प्लांट्स। और ये जो घर के फल सब्जियां होती है ना, उनके जो छिलके होते हैं, वो ऐसे मल्ची के लिए आप ऊपर फेंक सकते हैं। जो भी आपकी घर पे क्यारी होगी, आप टेरेस गार्डनिंग में जैसे भी सब्जियां उगा रहे हैं ना, तो क्या है कि जब गर्मियों का मौसम होता है ना, तो वेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी रिटेन करने के लिए प्लांट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस टाइम में, खास करके गर्मियों के टाइम में, आप क्या कर सकते हैं कि फल सब्जियों की अपने जो भी आपका वेस्टेज है ना किचन का, तो वो आप ऐसे मिट्टी के ऊपर ऊपर एक लेयर बना सकते हैं। तो उससे क्या है कि काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपका जो पानी का वेपोरेशन है ना, वो काफ़ी कम हो जाएगा और मिट्टी में भी पानी ज़्यादा टाइम तक रहेगा, जिससे कि पानी कम सूखेगा और जो प्लांट है वो काफ़ी टाइम तक ग्रीन और हेल्थी रहेगा। और ये है हमारे, और ये हमारे दूसरे लेडी फिंगर्स। अच्छा है ना, ये भी प्लांट है, ये बैंगनी कलर वाले लेडी फिंगर का है। ये भी थोड़ा जिद्दी लग रहा है, जिद्दी लग रहा है, जिद्दी। इसको भी हम यहीं पे रहने देते हैं। और तो नहीं कहीं लगा, और भी लगा है एक, और भी लगा है एक, और भी लगा है, इसको भी उतार लेते हैं। ये भी उतार लिया। और ये हमारे गेस्ट फिर से आ गए, तो गेस्ट नहीं है, ये हमारे होम पार्टनर है। और ये जो आप देख रहे हैं जैसे गोल गुबंद छतरी जैसा, ये एक्चुअली क्या है कि ऑनियन का प्लांट है। ये बीच में जड़ में होता है ऑनियन, मिट्टी में, और ऊपर जब ये तैयार हो जाता है तो ऐसे इसका बीज बन जाता है, ऐसे गोल ग्लोब के जैसे हो जाता है। मैं ऑनियन भी आपको निकाल के दिखाता हूँ एक, और इसमें साथ में ये लोकल जो ये जो क्यारी थी ना, बेसिकली थी साग के लिए, तो इसमें साग की आइटमें ही हैं ज़्यादा, जो पंजाब में साग चलता है ना, वो उसकी आइटमें ज़्यादा हैं, जैसे चलाई है, और पंजाबी में इसको कहते हैं बाथू। ये भी साग में ऐड करते हैं। और अब मैं आपको एक ऑनियन का प्लांट निकाल के दिखाता हूँ। ये मिट्टी देखिए कितनी सॉफ्ट है। जो प्लांट की हेल्थ है ना, वो बेसिकली डिपेंड करती है आपकी मिट्टी कैसी है। ये देखिए, सी द ब्यूटी, कितना सुंदर है, पूरा रेडी है, पूरा रेडी है। सी हाउ डार्क कलर्ड इट इज। ये जो आप देख रहे हैं, ये भी वाइन बिटर गार्ड की है,
और ये भी बड़ी सी जो पत्तों वाली वाइन है, ये भी लोकी की है, और साथ में भी ये वाइन भी बिटर गार्ड की है। और इसमें जो लगा हुआ है साथ में ये छोटा छोटा आप देख रहे हैं ना, ये भी ऑनियन ही है, और ये साथ में जो लगा हुआ है ना ये है लहसुन। आपको एक निकाल के दिखाता हूँ, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, तो ये वाला निकाल देते हैं क्योंकि साथ में ये तो ओनियन निकला ये ओनियन ही है, छोटे वाला है, इतना बड़ा नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ था अभी, तो इसको हमने निकाल दिया है। ऐसे ही इसमें लहसुन के भी प्लांट लगाए हुए हैं, लहसुन आपको निकाल के दिखाता हूँ, वो जो लहसुन की खेती होगी मैं आपको आगे शेयर करता हूँ। ये बिटर गार्ड हो गया। और अब सबसे अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको, जो कि हमारे घर में सबसे ज़्यादा हरियाली करने वाली चीज़ है, प्लांट है, ये है हमारी ग्रेप वाइन। देखिए पूरी भरी पड़ी है ग्रेप्स के साथ, इतना ज्यादा ग्रेप्स लगते हैं कि आपको क्या ही बताऊं। इसमें पत्ते कम होते हैं, ग्रेप्स ज्यादा होते हैं, ब्लैक कलर्ड ग्रेप्स हैं, और पेड़ जो, और हमारी जो यहाँ पे पंछी रहते हैं, चिड़िया रहती हैं, उनके लिए घर है उनका एक छोटा सा। और ये देखिए फूलों से भरी पड़ी हमारी बेल, ये एक्चुअली जो बेल होती है ना बहुत सुंदर होती है, और इसके जो फ्लावर्स होते हैं इनकी फ्रेगनेंस क्या ही बात करें। ये हमारी ग्रेप वाइन देख रहे हैं आप, ग्रेप्स देख रहे हैं कितने ज़्यादा ग्रेप्स लगे हैं। और ये जो मैं आपको बता रहा था लहसुन, ये लहसुन की खेती है हमारी, अच्छी है ना। आगे चलते हैं, हमारी ये भी ग्रेप्स वाइन आ गई। अब हमने पहले ब्लैक कलर्ड ग्रेप लगाई थी, अब हमने साथ में इसके साथ में ही ये जो व्हाइट कलर्ड होते हैं ना ग्रेप्स, वो भी साथ में लगा दिया। अभी देखिए कितना ज़्यादा ग्रेप्स लगे हैं, पूरी भरी पड़ी है। और ये कुछ, ये हमारे घर में चीकू का भी बूटा है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये तो मेरे को पता नहीं, हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी और पंजाबी में तो चीकू कहते हैं। और ये लेडी फिंगर का प्लांट एक और आगे चलते हैं, ये कुछ सजावटी, कुछ रोसेस, और ये और हमारे जो टोमेटोस के प्लांट्स हैं, ये हमारा नींबू का है। इसमें आप देखें, आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, इसमें फ्रूटिंग पहले हो गई है, इसमें पत्ते कम है और फ्रूटिंग ज़्यादा है, कुदरत भी क्या कमाल है ना। और ये हमारा ऑरेंज का प्लांट है, अभी देखते हैं, रिसेंटली लगाया तो थोड़ा बड़ा होगा और इस पे ऑरेंजेस वगैरह लगेंगे अगर इसको बड़े पोट में ही ट्रांसफर करते हैं। और ये हमारा रहा एप्पल, एप्पल का पेड़ तो नहीं कह सकते, इसको प्लांट ही कह सकते हैं, अभी छोटा है, हाइट तो थोड़ी ग्रो हो गई है पर अभी पूरा पेड़ नहीं बन पाया। और हमारे रोसेस, जैसे मैंने आपको बोला था कि रोज के काफ़ी वैरायटी पड़ी मैंने घर पे लगाई है, रोज यार इज द किंग ऑफ द फ्लावर्स। और ये हमारा और एक रहा ब्रिंजल का प्लांट, इसमें अभी फ्लावरिंग हुई है, फ्रूट ब्रिंजल कोई नहीं लगा, बैंगन कोई नहीं लगा हुआ, ये कुछ और सजावटी। और ये जो होता है कि रबड़ प्लांट का है, ये ऑलमोस्ट पेड़ ही बना हुआ है, काफ़ी बड़ा है। और ये पाम का प्लांट, और ये भी जो सदाबहार जिसको कहते हैं वो प्लांट है। और यहीं से हमने स्टार्ट किया था, अपने अमरूद के पेड़ से। तो देख रहे हैं आप, ये घर में क्या है कि छोटी छोटी खुशियां होती हैं, ये प्लांट एक्चुअल में इट्स ए लाइफ इटसेल्फ। घर पे मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि ये सबके घर में होने चाहिए। जितने ज़्यादा आप फ्रूटिंग कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा घर पे आप सब्जियां अपने लिए उगा सकते हैं, अपनी हेल्थ की जिम्मेवारी खुद ले सकते हैं, उतना ही आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अपनी फैमिली की हेल्थ अच्छी होगी, आपका जो हैप्पीनेस है, आपकी सेटिस्फेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो आप जितना हो सके उतना ट्राई करें, क्योंकि ये जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा जो धरती का वातावरण है, हमारे आसपास के जीव जंतु पंछी, ये सारे चीज़ें जो कनेक्ट करती हैं
इनके साथ ही कनेक्ट कर पाते हैं हम। आपने अभी देखा छोटा सा पंछी जिसको पंजाबी में बटेरा कहते हैं, अभी वहां पे बैठा है। कितना सुंदर है यार, इसने भी यहीं पे घर बनाया हुआ बेल में। तो एक्चुअली 4-5 फैमिलीज रहती हैं इनकी, पंछियों की, ये एक ही वाइन पे। तो अभी मैं आपको सारी फ्रूटिंग जो है ना, जो आज की हार्वेस्टिंग है, वो इकट्ठी करके आपको प्लेट में डाल के दिखाता हूँ। ये है हमारी आज की हार्वेस्टिंग, देख रहे हैं कितने ज़्यादा टोमेटोज, और ये हमारे ब्रिंजल के बैंगन की जो हार्वेस्टिंग थी, इसमें वाइट कलर ब्रिंजल और दूसरे जो मैरून बैंगनी कलर के होते हैं ब्रिंजल की खेती, लेडी फिंगर, लहसुन की खेती, ये हमारे ऑनियन की खेती, और भी बाकी फ्रूटिंग वगैरह जो फल सब्जियां आपको मैंने दिखाई। कितना यार एक्साइटिंग है ना, लिटरली ऐसी मॉर्निंग हो तो यार और क्या बंदे को चाहिए, चार्ज अप होने के लिए, मोटिवेट होने के लिए, अपना जो एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए, इससे बेहतर मॉर्निंग और क्या हो सकती है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप भी अपने घर पर जितनी ज़्यादा फल सब्जियाँ लगा सकते हैं उतना ही लगाएं, आपकी जो लाइफ में अचीवमेंट्स हैं आपकी और जो बाकी लाइफ के डोमेन है उनमें भी इम्प्रूवमेंट बड़ी ज़्यादा होगी।